अच्छा, कराची प्रेस क्लब में यहाँ पर बेनजीर साहिबा भी आती थी जब बिलावल साहब छोटे थे, बच्चे यहाँ खेलते थे, तो क्या कहेंगे, ये हमने सुना है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, बेनजीर साहिबा सिंध हाई कोर्ट जब आती थी, पेशी होती थी तो प्रेस क्लब ज़रूर आती थी। फिर प्रेस क्लब में हमारे बहुत सीनियर एक वेटर होते थे, सत्तार साहब, फिर उनको एक मखसूस वो उनकी कॉफ़ी होती थी, फिर उनको वो कॉफ़ी पिलाते थे। और बच्चे जो हैं वो बिलावल और बिल्कुल बख्तावर खेलते थे, आते थे यहाँ, मतलब यहीं पर इसी तरह इन्हीं रूम्स में खेलते थे। ये बिल्कुल कमेटी रूम आपके साथ है, पहले हमारे, अभी तो हमने इसको वसी किया है, आपने बोर्ड रूम भी देखा होगा हमारे, मुख्तलिफ चीज़ें भी देखी होंगी, वुमेन कॉम्प्लेक्स भी है और जिम भी है, इस तरह की चीज़ें हमने एक्सपेंड की है। उस वक्त कमेटी रूम हमारा जो है एक आइकन जो है समझा जाता था, जहाँ पर हमारी सारे जो जर्नलिस्ट फैक्शन तंजीमें थी, KOJ PFUJO की मीटिंग भी यहीं होती थी, और यहाँ पर हमारे जो है सिविल सोसाइटी के लोग, मजदूर तहरीकों के लोग यहाँ पे आके मीटिंगें करते थे। अच्छा, ये मुझे बताएं, बातें तो सियासत और क्लब के हवाले से हो रही हैं, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मेरा ज़्यादातर सब्ज़ी और दाल। सब्ज़ी और दाल, और जाहिर है कि घर में हमारी जो फेवरेट है वो तो मछली है, क्योंकि हमारे घर में मछली अच्छी बनती है, और हम जानते हैं कि कौन सी मछली ज़्यादा जो है, वो ज़्यादातर मैं घर में मछली वगैरह यूज़ करता हूँ। प्रेस कलम वगैरह में सब्ज़ी और दाल। और कलर कौन सा पसंद है? कलर मुझे जो है बेसिकली डार्क कलर बहुत पसंद है, शलवार कमीज वाइट शलवार कमीज। अच्छा, अब ये बताएं कि कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं या सिर्फ बस काम दिन रात करें हम काम? नहीं, मैं तो 2 साल से गुज़िश्ता बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और क्योंकि असल बात यह कि लोग जानते भी हैं ना, क्योंकि बैकग्राउंड भी है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात में मुझे इन्वाइट करते हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छी किताब है लियारी के, एक रमज़ान बलोच साहब है, उनकी एक किताब पढ़ी हुई है मेरे हाथ में, बहुत ही, अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर पढ़े, एक लापता शहर का सुराख। अच्छा, इसमें कराची के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन है, लापता शहर का। अगर आप कराची के बारे में कोई चीज़ पढ़ना चाहें तो अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको कराची पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर इससे पहले क्या था, ये ज़रूर पढ़ें। और कोई अगर कराची पे रिसर्च करना चाहे तो ये किताब, और आज भी इस किताब की रुनुमाई है आर्ट्स काउंसिल में, और मैं उस पर एक गेस्ट स्पीकर भी हूँ। अच्छा सही सर, ये बताएं, ड्राइव करते? जी मैं बिल्कुल ड्राइव करता हूँ, लेकिन लॉन्ग ड्राइव में तो पहले मैं जाता था कराची में, लेकिन अब लॉन्ग ड्राइव कराची में नहीं हो सकता मेरा सबसे। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात की, मैं ज़्यादा बहुत डिप्रेस होता था कराची, बहुत 10 साल पहले की बात है, और जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता था तो मैं कराची पूरा घूमता था। अच्छा, लेकिन अभी आप कराची नहीं घूम सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता बिल्कुल ऐसे कि आप है। जो है कहते हैं महंगाई, मगर लोगों के पास नहीं, तो कराची का भी है, पेट्रोल भी है, रश तो वही लगी हुई है। असल बात यह है कि कराची बहुत एक्सपेंड हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन है उसकी आबादी है। अब आप, मैं आपको बताऊं ना, अगर फर्ज करो मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में रहता हूं, तो मैं गुलशन इकबाल, हैदरी या गुलिस्तान जौहर नहीं जा सकता, मैं अगर जाऊंगा तो ज़्यादातर सदर आऊंगा या क्लिफ्टन या इस तरफ जो है मैं जाके शॉपिंग। इसी तरह कराची, इस वक्त अगर कोई लियारी में रहता है तो वो लियारी के अंदर ही शॉपिंग करेगा, वो इवन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है और इतना रश हो गया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। गुलशन इकबाल का जो बंदा होगा वो सिर्फ गुलशन इकबाल ही में जाके शॉपिंग करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर इतनी महंगाई, कहते हैं कि लोड शेडिंग इतनी है, गैसेस नहीं है, लोग जो है ना खाना नहीं पका पा रहे, महंगाई है, पेट्रोल जो है, आप फिर इतना गाड़ियाँ रश हो रही मार्केट में, रश, ये कैसे, मतलब देखें कराची की इतनी बड़ी आबादी है, अगर उसमें से 5% जाके शॉपिंग भी करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं पूरे कराची के, इस तरह नहीं है। कराची के अंदर जो है, कराची के आपको शायद पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं है, 3 से 4 करोड़ आबादियों का शहर है, और यहाँ पर अगर आप 6
छः मॉल हैं और छः मॉल के अंदर या होटलों में आप रश देखते हैं तो आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसे इलाके हैं कि इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऐसे इलाके हैं जिसमें एक वक्त की रोटी खाते हैं लोग। हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं कि गाने में या मतलब मौसीकी में, शेर व शायरी में दिलचस्पी है? सुनने की हद तक है, लेकिन मेरे खुद गुनगुनाने का शौक तो नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है मेरा शौक उन शायरों को मैं पसंद करता था। हबीब जालिब है, फैज़ अहमद फैज़ है, जॉन एलिया वगैरह जो है, इस तरह की जो शायरी जो अवामी शायरी हो, जो लोगों के हुकूक़ के हवाले से हो या लोगों के मसाइल के हवाले से हो, मैं उसको जो है, और हमारे जो ज़्यादातर बलोचों में जो मुबारक काजी साहब हैं, अच्छा, उनकी शायरी को मैं पसंद करता हूँ। कुछ अगर शेर नहीं तो फिर कुछ गाना अगर गुनगुना सके तो? मैं इस वक्त तो जो है ना बिल्कुल मैंने आपको बता दिया ना कि वो शायरी मैं सिर्फ सुनने की हद तक है। अच्छा सिंगर कोई पसंद है आपको? ज़ाहिर है गाना तो सुन, मौसीकी तो रूह की गिज़ा है। सिंगर मेरे ज़्यादातर जो है फोक सुनते हैं, फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक सुनते हैं। मैं ज़्यादातर जो है पॉप भी इस तरह से सुनता हूँ, लेकिन पॉप भी वो जिसमें अच्छे बोल वगैरह हों, और ये जो हमारी सिंधी बेहंगम ना हो, मतलब सुकून दे। सिंधी फोक जिस तरह आपने एक मरतबा में सुनाया था, सिंधी फोक और बलोची मुझे बहुत पसंद है।